दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके पास MI का फ़ोन है और आप जानना चाहते हैं उसमें कॉल रिकॉर्डिंग हम कैसे सुने तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। मैं ओल्ड स्मार्टफोन में भी बताऊंगा और जो न्यू स्मार्टफोन आ रहे हैं MI के उनमें भी बताऊंगा, ठीक है। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दो स्मार्टफोन है, एक तो यहाँ पर ये नया पुराना वाला है, एक ये नया वाला है, ठीक है। दोनों में मैं आपको बताऊँगा, बस आपको इस वीडियो को देखना होगा। अगर आपके पास MI का ओल्ड स्मार्टफोन है उसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सुनेंगे सबसे पहले ये बताऊंगा, उसके बाद जो न्यू स्मार्टफोन आ चुके हैं MI के जिनमें आपको गूगल का डायलर मिलता है उनमें आप कैसे सुन सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को, तो चलिए बताते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं इस तरह की वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं बताते हैं। जैसे कि आप सबको पता है जो भी MI का ओल्ड स्मार्टफोन है उसमें आपको डायलर देखने के लिए मिलता है चाइनीज, लेकिन वो बैन हो चुके हैं तो इसलिए आपको गूगल का डायलर दे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में गूगल का डायलर है, MI का ओल्ड फ़ोन है, तो आपको क्या करना होगा, आपका यहाँ पे एक वो मिलेगा फोल्डर टाइप टूल्स का, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, ये देख सकते हैं ये टूल्स, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके अंदर होगा रिकॉर्डर, आप देख सकते हैं रिकॉर्डर। अगर ये एप्लीकेशन आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर ही देख लीजिए, उस पर लिखा होगा रिकॉर्डर, इस तरीके से होगा। जैसे कि अभी मैं बाहर निकाल के इसे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं इस तरीके का, बस इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये 3 डॉट मिलेंगी लेटी हुई, यहाँ पर इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा होगा रिकॉर्डेड कॉल्स, इस पे आपको क्लिक करना है, आपकी जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सुन भी सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बता देता हूँ, जो ओल्ड स्मार्टफोन है यानी कि ओल्ड स्मार्टफोन तो ये है, ठीक है। अब न्यू स्मार्टफोन में आपको कहाँ पर मिलेगी कॉल रिकॉर्डिंग, उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने न्यू स्मार्टफोन पर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लॉक खोलेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपके पास MI का कोई भी नया स्मार्टफोन हो वहाँ पे आपको इस तरीके का डायलर देखने के लिए मिलता होगा, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो रहा, ठीक है। इसी डायलर पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस डायलर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब जिस भी नंबर की आपको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए XYZ किसी भी नंबर की, जो भी आपका नंबर हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये देखो ऊपर देख सकते हैं एयरटेल यहाँ लिखा है, ये देखो इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ लिसन टू रिकॉर्डिंग लिखा होगा, बस वही आपकी ऑन होगी और ऑन नहीं होगी, जैसे कि मैं और ऑन करने की कोशिश करूँगा नहीं होगी, लेकिन ये लिसन टू रिकॉर्डिंग होगी, ये आपकी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, यहाँ पे आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से खुल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी नंबर की यानी कि जो भी न्यू स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें ये डायलर आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जहाँ पे लिसन लिखा होगा वही आप सुन सकते हैं, अगर आपने नंबर वगैरह डिलीट कर दिया होगा तो आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी, ये कहीं पर भी सेव नहीं होती है गूगल डायलर की, ठीक है। मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि आप किस तरीके कैसे MI के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा, आपका कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।